घर जाते ही अपनी वाइफ को प्यारा सा ये गुलाब दूंगा और फिर इस गुलाब की सब्जी बनवाऊंगा। शादी से पहले गुलाब का फूल होता है और शादी के बाद आई हैप्पी रोज डे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीश, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं अभी जा रहा हूं घर पे, जैसे मैंने बताया था थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाना है तिगांव वाले घर पे, और तहसील में थोड़ा सा पूछना है किस तरीके से होगा। उसमें मैंने एक से बात करी है, कह रहा है कि टाइम लग जाता है पर वो जो काम है वो एक दिन में ही हो जाता है, लेकिन वो फाइल वाइल पहले बनानी पड़ती है, तो वो सारा मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह वो सारा कुछ बनवाना पड़ता है, तो वो चीज़ बनवाने जा रहा हूँ आज। और आज है, जैसे कि तुम्हें पता है, रोज डे। आज पता नहीं, मेरे को तो ये पता नहीं है, पर मैंने एक दो वीडियोज ही देखी थी कि आज रोज डे है, और जैसे कि पता है आपको दोनों की, मेरी और प्रीत की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कुछ टाइम से, तो मैं वैसे ये चीज़ें बनाता नहीं हूँ, मेरे को पता भी नहीं क्या है, पर मैंने सोचा कि रोज डे वोज डे ये तो हमारे लायक सौदा है नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा प्रैंक में बदल देते हैं इस चीज़ को। कि कहते हैं कि जब ये रोज डे और ये चॉकलेट डे तक का सफर होता है तो रिश्ता होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, लेकिन उसके बाद जब ये टमाटर प्याज धनिया लाने का रिश्ता हो जाता है ना, वो होता है पति पत्नी का। तो आज मैं थोड़ा सा मैं प्रैंक सोचा है ये करने का, अगर पॉसिबल हो पाया तो पहले मैं ये काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसकी तैयारी करूंगा मुझे क्या करना है। लो जी, आ गए अपने घर पे, और ये शेरू क्लासिक मुझे पहले उतरने ही नहीं देंगे, इनको पेडिग्री देनी पड़ेगी पहले। ये सीलन से वॉलपेपर हट गए। ओहो, अंधेरा 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 लाइट इन्वर्टर की है शायद। तो दोस्तों, जिन्होंने घर नहीं देखा है, ये है तिगांव वाला, ये है किचन। ओह, लाइट गई। तो घर थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है, थोड़ी सी हर जगह रेनोवेशन वगैरह करवानी पड़ेगी, थोड़ी 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 थोड़ी। और देखो ये थोड़ी थोड़ी रेनोवेशन करवानी पड़ेगी और फिर गुड टू गो। दोस्तों, एक दिक्कत हो गई है, मैंने ले लिया ये साग वगैरह, ठीक है ना, इसमें पालक सरसों और मेथी तीनों चीज़ है, तो अपना साग भी बन जाएगा, ठीक है। ये ब्राउन ब्रेड लिया मैंने अभी के टाइम पे, मैं ब्राउन ब्रेड खा रहा हूँ, रोटी भी खा रहा हूँ वैसे, बट कम। ये फाइल नीचे जो रखी है, इसमें मेरी सारी पढ़ाई के डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसमें स्कूल से लेकर डिप्लोमा से लेके बीटेक से लेकर जो भी मेरे को आज तक कुछ मिला है स्कूल कॉलेज में, सर्टिफिकेट्स वगैरह या फिर अपने ऑफिस में, सब कुछ है इसमें। तो बाकी दिक्कत यह होगी है कि जो इनको पैक करने के लिए, जैसे रोज़ की तरह पैक करने के लिए एक बंदा फूल वाला बैठा रहता था, वो अब यहाँ पर नहीं है, और मेरे को अब जाना पड़ेगा 3 सेक्टर, क्योंकि वहाँ पे भी एक बैठा रहता है। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा है कि मैं ये रखा रहने दूंगा इसमें ही, और अभी मैं जाता हूँ घर पे, ये फाइल रखे, क्योंकि जैसे उसमें जो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि 10th की सर्टिफिकेट होगा, रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, कि आप हरियाणा में रहते हो, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इस वजह से मैं लाया हूँ ये। और अभी ऐसे ही मैं घर पे जाके थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, फिर जब जिम जाऊँगा ना, तो अभी ये रात को ही करना पड़ेगा मेरे को प्रैंक, तो अब जब जिम जाऊँगा ना, जब भी मैं ये पैक करवा के लाऊंगा। मैंने एक वीडियो बना दी इसकी, खाली हंसने की, इसको इतना बुरा लग रहा है, खाली कहते मेरी बेइज्जती कर करके तुम अपने वीडियोज पे व्यूज ले रहे हो, रियलिटी नहीं है, खुद से पूछो। नहीं, मैं तो सिर्फ बेइज्जती करता हूँ, व्यूज तो अपने आप आते हैं, मेरी बेइज्जती करने से ही आ रहा है ना। हाँ, तो बेइज्जती के लायक हो।
मैं बेस्टी की लायक हूँ तो तुम मेरे हम सफर हो, 50-50 पार्टनरशिप। तो मैं भी 50-50 बेस्टी का लायक हुआ? यस। आप भी 50-50 बेस्टी का लायक? मैं नहीं हूँ ना, मेरा तो सारा पति पे गया ना बाहर। तो दोस्तों मेरा करता है धरता गाइस, मेरे पति हैं, ठीक है, मेरी बेइज्जती हो, इज्जत हो, कुछ भी है, मेरे पति की है। तो ये राजमा ब्राउन ब्रेड ये खा लेता हूँ और फिर जाऊंगा कुछ वही जो मैंने बताया है। ओ, चाप देखते लेने। हाँ चाप लेने, चाप लेने। हाँ ठीक है, तो बाद में बात करते हैं। पुरानी करे ना ये वाला? हाँ थोड़ी सी ये लगा दे जो बढ़िया से हो जा। लो जी भाई ने बढ़िया पैक कर दिया है, अब ले जाए घर पे। लो जी अपना रोज पैक करवा लियो यहाँ से, अब प्रीत अब खुश हो जाइए, ऐसा रोज डे बनाएंगे अग्गेल। जाते ही या कि पैकिंग उतरवा के साग बनवाइए। कह रही क्या बनाऊं आज आपके लिए? मैंने कहा देखते हैं क्या बनाएंगे, तो कहती दाल बना लूं। मैंने कहा नहीं नहीं वो तभी शाम को डिसाइड करेंगे, पहले मैं जिम करके आ जाऊं। क्या बनाएंगे? तो उसको पता नहीं मैं सब्जी साथ में लेके आ रहा हूं कि क्या बनाएंगे। तो ये लेकर पहुंच जाऊंगा अभी। दोस्तों वर्कआउट हो गया बढ़िया एकदम, और अब हम पूरी तैयारी में है कि ये गुलाब के फूल हैप्पी रोज डे बनाने के लिए हम पूरी तैयारी में है। और रास्ते में हूँ अभी, और मैं अभी घर जा रहा हूँ, और घर जाते ही अपनी वाइफ को प्यारा सा ये गुलाब दूंगा और फिर इस गुलाब की सब्जी बनवाऊंगा। उसका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। शादी से पहले तो गुलाब ही देता था, लेकिन अब उसने ही मेरी हालत कर दी है। जब भी घर जाता हूँ या फिर जैसे मैं बाहर से आ रहा होता हूँ, फोन करके बोलती है अच्छा एक गड्डी मेथी की लेते हैं आना, अच्छा मिर्च खत्म हो गई मिर्च लेते हैं आना, अच्छा साग बनवाना है तो एक गड्डी पालक की, एक गड्डी मेथी, एक गड्डी सरसों। तो मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन उसने मुझे ऐसा बनाया है, तो ऑब्वियसली ये भी वो डिजर्व करती है। अब ये वाला गुलाब जो मैंने ले रखा है ये भी वो डिजर्व करती है। तो अभी पहले सीधा घर चलते हैं। दोस्तों कैमरा मैंने लगा दिया है और बहुत ही स्पेशल फील करवाना है मुझे अपनी वाइफ को, तो पीछे से तक के पड़े हैं उनको अवॉइड करो, ठीक है, और मैं अभी आता हूँ। तो प्रीत मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक चाटा लगा दूंगा, टेंशन मत लो, तुम जब इतना कह रही है तो क्यों नहीं लगा सकता। लोग देखो इतना टाइम हो गया है शादी से पहले और शादी के बाद चीजें बदलनी नहीं चाहिए, मैं ये मानता हूँ। बात तो सही है। अगर शादी से पहले मैं तुम्हें गुलाब के फूल देता था तो शादी क्या? तुम्हें कैसे पता चला? धनिया कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ लाइनें मैंने तैयार करी हैं, वो लाइनें कहना चाहता हूँ। अपना हाथ दो मुझे। प्रीत थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए, बर्बाद करने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो तुम फ्रेम से कट गई होगी, आगे आ जाओ। हाँ थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए, और थैंक यू सो मच एक जिंदगी का नया नजरिया दिखाने के लिए कि शादी से पहले और शादी के बाद कुछ नहीं बदलता, ठीक है। और थैंक यू सो मच मेरी सारी अच्छी बातें मानने के लिए, क्योंकि क्योंकि बेकार थे मान। फेक लग रहा है तुम प्यार करते हो? ये वीक पे देख लो क्या नखरे हो रहे हैं। नहीं क्योंकि पहले वाले वैलेंटाइन में मैंने बोला इनको शादी से पहले कि अरे मैं इन सब पे बिलीव नहीं करता, ये तो ना अभी पानी पी के चोचले होते, अब शादी के बाद क्यों चोचले कर रहे हो? अरे तो मैंने ये सोचा है कि मतलब कि कुछ चीजें नहीं बदलती। देखो हम एक साल से ज्यादा हो गया है हमारी शादी को, और एक साल में मतलब मैंने जो शादी का फेज देखा है, जैसे कि मैंने नहीं सोचा था, जैसे तुम मुझसे कुछ भी जैसे रास्ते में होता हूँ तो तुम बोल देती हो हल्दी का पैकेट लेते हुए आना, या फिर कुछ ये लेते हुए आना, वो लेते हुए आना। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब कि ये तो होती है पति वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो एक शादी से पहले जिस तरीके से हम मिलते हैं या फिर शादी के बाद, वो बदलना नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि रिस्पेक्ट और इज्जत वही रहनी चाहिए। कुछ चीजें बदल जाती हैं, जैसे कि शादी से पहले क्या बोलूँ,
कहने को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और शादी के बाद पति पत्नी हो जाते हैं, तो ये चीज़ें बदल जाती है। और शादी से पहले एक गुलाब का फूल होता है क्योंकि शादी से पहले वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, शादी से पहले वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती जो शादी के बाद की होती है, तो इसलिए शादी से पहले गुलाब का फूल होता है और शादी के बाद आई हैप्पी रोज डे। शादी वही तो मैं चेंज ही तो बता रहा था कि शादी से पहले रोज डे होता है, शादी के बाद ये साग, इसमें मेथी की गड्डी है, पालक की गड्डी है, सरसों की गड्डी है। तुम पूछ रहे थे ना क्या सब्जी बनानी है, ये साग ही बनाना है आज। ना, 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 ना। यार इतना मतलब बढ़िया गिफ्ट दिया, मतलब कुछ तो इज्जत करो। मेथी सरसों पालक यार एक एक गड्डी बनती है, तुमने लास्ट टाइम बताया था कि हमारा साग एक एक गड्डी में बन जाता। हाँ क्यों बंद करो, अरे नहीं ये बनाना है मेरे लिए। यार इतना अच्छा गिफ्ट है, देख लो मतलब कहाँ मिलेगा ऐसा पति। Not happy rose day, it's happy methi palak sarso day. इसको क्या बोलते तो है, भूल गई इसका नाम, sunflowers का। तो तुमने तो मुझे ऐसा बनाया, कभी आ रहा हूँ अच्छा एक गड्डी धनिया की लेते आना, मेथी लेते आना, ये लेते आना। तू मतलब क्यों शादी के बाद यही जिंदगी है क्या मेरी? शादी के बाद कल एक वीडियो देखी थी ना क्या कुछ करो। मेथी सरसों पालक यार एक एक गड्डी बनती है, तुमने लास्ट टाइम बताया था कि हमारा साग एक एक गड्डी में बन जाता। हाँ बंद करो, क्यों बंद करो, तुमने भी मेरे को गिफ्ट देना। ना, अरे नहीं ये बनाना है मेरे लिए, देना फोन करो। आई हेट यू। यार इतना अच्छा गिफ्ट है, देख लो मतलब कहाँ मिलेगा ऐसा पति। Not happy rose day, it's happy methi palak sarso day. इसको क्या बोलते तो है, भूल गई इसका नाम, sunflowers का। तो तुमने तो मुझे ऐसा बनाया, कभी आ रहा हूँ अच्छा एक गड्डी धनिया की लेते आना, मेथी लेते आना, ये लेते आना। तू मतलब क्यों शादी के बाद यही जिंदगी है क्या मेरी? शादी के बाद कल एक वीडियो देखी थी ना क्या बोल रहे थे, शादी के बाद प्यार खत्म हो सकता है, पेट के लिए अच्छा खाना बनाने वाली वाइफ जरूरी होनी चाहिए। तो तुमने तुम पे कहना नहीं आया। हाँ। शादी करनी है तो एक अच्छा खाने बनाने वाली से करना, क्योंकि शादी के बाद प्यार कम हो सकता है लेकिन भूख नहीं। इसको पता नहीं है क्या बोलना। हाँ। तो भूख बना दो। बहुत बड़ा प्रैंक किया आज इन्होंने मेरे साथ, मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि ये मेरे लिए। तो दोस्तों अभी फ्रूट्स खा लो, सेब अंगूर एंड संतरा। और प्रीत मेरे लिए फ्रूट्स काट के लाइए। देखो मैंने पौष्टिक आहार मतलब कि साग दिया और प्रीत बदले में मेरे लिए पौष्टिक आहार लाइए। बढ़िया मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं हम, ये तो पक्का है ना, है ना प्रीत? हाथ मिलाओ चलो इसी बात पे, हाथ मिलाओ चलो, अरे हाथ मिला। मुझे चाट खानी है, मुझे कुरकुरे मोमोज खाने हैं। चाटा खाना है तो ठीक है लगा दूंगा, क्या हो गया, दिक्कत नहीं है कुछ है। दिक्कत है, टेंशन ना ले, भूखा सो जाऊंगा, सोने दोगे? थैंक यू। ठीक है गाइस, जैसे साथ आज कब लोग नहीं, भूखा सो जाऊंगा, मेरे साथ ये खा रही है उसके बाद अभी साग बना रही है। पप्पे लिए नहीं खा रहा ना ये। अच्छा गुड, हाँ ठीक है, ये चीज ये पूर्ति करो उसके बाद भूखा सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही सेब काट के लाया हूँ अपने लिए, मैं और कुछ नहीं खा रहा। ठीक है दोस्तों, ये नौटंकी इसकी ऐसी होती है। ठीक है अभी अपने आप बनाएगी, बढ़िया सा खाएगी, टाइम ये भूखा नहीं रहती, देख लेना इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम को पता है। पता और अभी हम साग तो खा ही लेंगे, देखो जो हम लाए हैं। और इसके साथ इसी व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बताना ये आपको कैसा लगा। हैप्पी रोज डे टू एवरीबॉडी।